Hello friends, I am Abhishek Joshi, Electrical Engineer in Birla Group of Companies. दोस्तों आज हम लोग बात करेंगे डिफरेंशियल प्रोटेक्शन के बारे में आज मैं आपको बताऊंगा कि डिफरेंशियल रिले एक्चुअल में होता क्या है हम नॉर्मल रिले और डिफरेंशियल रिले में किस तरीके से डिफरेंस समझा सकते हैं किसी को डिफरेंशियल प्रोटेक्शन स्कीम एक्चुअल में वर्क कैसे करती है ये डायग्राम के थ्रू आज हम देखेंगे इस वीडियो में तो दोस्तों बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं देखिए सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि किसी भी इंडस्ट्रीज में अलग अलग टाइप के रिलेस यूज होते हैं जैसे एक ओवर ओवरकरेंट रिले है तो ओवर करेंट रिले का प्रिंसिपल ये है कि आप करंट की एक लिमिट सेट कर देंगे जैसे 20 एम्पियर मैंने जो लिमिट है करंट की वो सेट कर दी अब अगर रनिंग करंट 20 से ज्यादा जाएगा तो रिले उसे मानेगा और सर्किट को ट्रिप करेगा वैसे ही एक रिले होता है ओवर वोल्टेज रिले कि हम वोल्टेज की एक लिमिट सेट कर देंगे अगर वोल्टेज इस प्रीसेट वैल्यू से ज्यादा जाता है तो रिले इसे एबनॉर्मल मानेगा और सर्किट को ट्रिप कर देगा तो एक वर्किंग प्रिंसिपल तो ये हो गया डिफरेंशियल प्रोटेक्शन इससे थोड़ा अलग है डिफरेंशियल रिले की वर्किंग ये होती है कि किसी भी नॉर्मल हेल्दी जो पावर सिस्टम होता है जो इलेक्ट्रिकल सर्किट होता है किरचॉफ्स ऑफ स्लॉ ये कहता है कि इनकमिंग करंट और आउटगोइंग करंट का समेशन हमेशा ज़ीरो होता है अगर आपका सर्किट हेल्दी है तो उस केस में इनकमिंग करंट और आउटगोइंग करंट का समेशन हमेशा जीरो होगा तो डिफरेंशियल रिले की डेफिनेशन यही है कि जो भी रिले दो या दो से ज़्यादा इलेक्ट्रिकल क्वांटिटीज़ के मैग्नीट्यूड को कंपेयर करता है उनके फेज डिफ़रेंस में अगर कोई चेंजेस आते हैं तो उसे अब नॉर्मल मान के सर्किट को ट्रिप करता है तो ऐसे रिले को हम डिफरेंशियल रिले कहते हैं तो बेसिकली जो डिफरेंशियल रिले है वो आपके सर्किट को आपके सिस्टम को इनकमिंग करेंट और आउट गोइंग करंट को हमेशा कंपेयर करेगा आपके सिस्टम का जो इनकमिंग करंट है और जो आउट गोइंग करंट है इसको वो हमेशा कंपेयर करेगा और अगर इसके मैग्नीट्यूड में कोई चेंजेस आता है इसके फेज डिफरेंस में अगर कोई डेविएशन आता है तो उसको वो एज ए एबनॉर्मलिटी सेंस करेगा और आपके सर्किट को ट्रिप करेगा तो ये तो है डिफरेंशियल रिले की डेफिनेशन अभी मैं आपको बताता हूँ कि ये डिफरेंशियल रिले डायग्राम के थ्रू हम देखते हैं कि ये वर्क कैसे करता है देखिए डायग्राम देखिए इस डायग्राम में जो ग्रीन डॉटेड लाइन्स आप देख रहे हैं ये वो सिस्टम है जो हमें प्रोटेक्शन प्रोवाइड जिसको करनी है ये वो सिस्टम है जिसको हमें प्रोटेक्शन देना है तो इस डॉटेड लाइन के दोनों साइड मैंने सीटी लगा दी है मैंने करंट ट्रांसफॉर्मर लगा दिया है तो ये दो करेंट ट्रांसफॉर्मर के बीच में आप जो ग्रीन डॉटेड लाइन देख रहे हैं इसको मैं प्रोटेक्टेड जोन कहूंगा डिफरेंशियल रिले में ध्यान देने वाली बात यह है कि जो रिले का प्रोटेक्टेड जोन है उस जोन में अगर कोई फॉल्ट आता है तो ही रिले उसे सेंस करके आपके सर्किट को आइसोलेट करता है अगर प्रोटेक्टेड जोन के बाहर कोई फॉल्ट होता है तो फिर डिफरेंशियल रिले उसे डिटेक्ट नहीं करेगा उसके लिए आपने जो दूसरे टाइप के प्रोटेक्शन आपके सिस्टम में लगाए होंगे फिर वो एक्ट होंगे लेकिन डिफरेंशियल रिले में ध्यान आपको ये रखना है कि जो भी आपका प्रोटेक्टेड जोन है उस जोन में ही अगर फॉल्ट आता है तो ही डिफरेंशियल रिले उसमें एक्ट करेगा तो ये जो ग्रीन डॉटेड लाइन है इसके दोनों साइड मैंने जो सीटी लगाया है ये दोनों सिटी के बीच का जो पोर्शन आप देख रहे हैं जो ग्रीन डॉटेड लाइन देख रहे हैं ये मेरा प्रोटेक्टेड जोन हो गया इस जोन में अगर कहीं भी फॉल्ट होता है तो रिले उसे डिटेक्ट करेगा दूसरी चीज आपको जो इस डायग्राम में देखनी है वो है ब्लू कलर की कॉइल ये जो ब्लू कलर की कॉइल आप देख रहे हैं इसको रिले की ऑपरेटिंग कॉइल हम लोग कहते हैं ये रिले के ऑपरेटिंग कॉयल में नॉर्मल रनिंग कंडीशन में करेंट फ्लो नहीं होगा जब भी कोई एबनॉर्मलिटी होगी उसी केस में इस रिले के ऑपरेटिंग कॉयल में करंट फ्लो होगा जैसा अगर कोई नॉर्मल रनिंग कंडीशन है तो नॉर्मल रनिंग कंडीशन में इनकमिंग करंट और आउटगोइंग करंट का मैग्नीट्यूड हमेशा सेम होगा तो उस केस में आपकी जो ऑपरेटिंग कॉयल है ये हमेशा डी एनर्जाइज रहेगी इसमें कोई भी करेंट फ्लो नहीं होगा पर अगर आपके सिस्टम में कोई फॉल्ट होता है जैसे आप इस डायग्राम में जो फॉल्ट देख रहे हैं इसमें आप ये देखिए कि ये जो फॉल्ट हुआ है ये विद इन द प्रोटेक्टेड जोन हुआ है हमारे दोनों सिटी के बीच के किसी पोर्शन में ये फॉल्ट हुआ है तो जब भी किसी सिस्टम में फॉल्ट डिटेक्ट होगा तो आपके सिस्टम का इनकमिंग करंट और आउटगोइंग करंट सेम नहीं रह पाएगा क्योंकि फॉल्ट के वजह से जो डिस्टरबेंस क्रिएट होंगे करंट बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा वोल्टेज बहुत ज़्यादा कम होगा जो भी पैरामीटर में डिफरेंस क्रिएट होंगे उसके वजह से इनकमिंग करंट और आउटगोइंग करंट कभी सेम नहीं रह पाएगा जिसके वजह से जो डिफरेंस अमाउंट ऑफ करंट है वो रिले के ऑपरेटिंग कॉयल में फ्लो होगा और आपका जो प्रोटेक्टेड सिस्टम है वो उसे डिटेक्ट करेगा आपका जो डिफरेंशियल रिले है वो इसे डिटेक्ट करेगा और आपके सर्किट को ट्रिप कर देगा तो इस तरीके से जो डिफरेंशियल रिले है वो इस प्रिंसिपल पे वर्क करता है तो इस तरीके से दोस्तों जो प्रोटेक्शन सिस्टम होता है ये इंडस्ट्रीज़ में यूज़ किया जाता है नॉर्मली जो डिफरेंशियल प्रोटेक्शन है ये ट्रांसफार्मर और जनरेटर प्रोटेक्शन के लिए यूज़ होता है जैसे अलग अलग टाइप के प्रोटेक्शन होते हैं मोटर प्रोटेक्शन होता है बस बार प्रोटेक्शन होता है तो ऐसे में जो ट्रांसफार्मर और जनरेटर है ट्रांसफार्मर और जनरेटर में नॉर्मली हम लोग डिफरेंशियल प्रोटेक्शन को यूज़ होते हुए किसी भी इंडस्ट्रीज में देख सकते हैं तो दोस्तों ये डिफरेंशियल प्रोटेक्शन से रिलेटेड आपको अगर कोई डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं मैं आपसे मिलता हूँ कल ऐसे एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ तब तक अपना ध्यान रखिए गुड बाय